आपके पास IQ Z9S 5G है, Z9S Pro है, कोई भी फ़ोन है, तो आप स्प्लिट स्क्रीन यूज़ कैसे कर सकते हैं? स्प्लिट स्क्रीन करने के लिए आप यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे और सेटिंग पे जाने के बाद इस टाइप से ऑप्शन आएगा, स्क्रॉल कर लेंगे, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक कर लेंगे, स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे ये ऑन रहेगा, ये भी ऑन रहेगा। इसके बाद यहाँ पे बैक कर लेना आपको। स्प्लिट स्क्रीन करने के लिए कोई सी भी क्या कहते हैं एप्लीकेशन को ओपन करना है, मिनिमाइज़ करना है ताकि वो टास्क बार में ओपन हो जाए। टास्क बार में ओपन होने के बाद यहाँ पे आप इस पे जाएंगे, लोगो पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है, स्प्लिट स्क्रीन कर लेंगे तो स्क्रीन आपके स्प्लिट होके बैक में चली जाएंगी और यहाँ पे दूसरा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई और एप्लीकेशन को आप स्प्लिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक स्क्रीन आपकी यहाँ पे यूज़ होगी, एक स्क्रीन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब इस पर क्लिक करके आप ऊपर नीचे इसको शिफ्ट कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके दूसरी एप्लीकेशन जो चलाना चाहते हैं उसे आप ला सकते हैं। और प्लस पे क्लिक करेंगे तो इसका शॉर्टकट आपके स्क्रीन पे ऐड हो जाएगा। और स्प्लिट स्क्रीन को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर बड़ी स्क्रीन चाहिए, नीचे छोटी स्क्रीन, तो ये मल्टीटास्क के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और मिनिमाइज़ कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, बैक कर लेंगे। और ये जो शॉर्टकट आपने सेट किया है तो देख सकते हैं ये रहा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्प्लिट होके ही मिलेगा आपको। आप स्प्लिट स्क्रीन को ऐसे करके हटा लेंगे और शॉर्टकट रिमूव करना है तो रिमूव कर लेंगे। इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आई बटन पे क्लिक कर लेंगे और थ्री फिंगर से स्वाइप अप करते हैं तो भी आपकी स्क्रीन स्प्लिट हो जाती है, लेकिन उसके लिए कोई स्क्रीन पे एप्लीकेशन खुली होनी चाहिए, ऐसे करेंगे तो स्प्लिट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।